वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। वृषभ राशि स्थिर राशि है, ये हमने कल पढ़ लिया था। वृषभ राशि सौम्य राशि है, सम राशि है, और इसका वर्ण जो है वैश्य वर्ण होता है। इसका स्थान जनरली जल का स्थान और खेत जो है इनका स्थान होता है। रात्रि भरी राशि है, वायु प्रवृत्ति है इस राशि की, श्वेत रंग का है और इसका चिन्ह जो होता है सांड जैसा, इसका चिन्ह होता है शुभ राशि ये मानी जाती है। वृषभ राशि जो है स्त्री राशि मानी जाती है, और इस राशि का जो स्वामी होते हैं, इस राशि के जो लोग होते हैं लग्न के, वो उन लोगों का जो मध्य कद होता है गोला मोटोल जैसे, थोड़े चौड़े चौड़ा गर्दन वाले, गर्दन थोड़ी मोटी मजबूत वाले होते हैं। नाक कान इनके आकर्षित लोग होते हैं, नाक कान होंठ इनके आकर्षित होते हैं। ये लोग देखने में थोड़े सुंदर आकर्षित प्रतीत होते हैं। बाल काले होते हैं, रंग इनका गेरुआ जैसा रंग होता है, साफ रंग वाले होते हैं। इनका सुंदरता इनमें फीलिंग आती है सुंदरती, कंधे मजबूत होते हैं, आकर्षित होते हैं ओवरऑल ये सुंदरता के परस्पेक्टिव से। ये पृथ्वी तत्व के होने के कारण इनमें साहस अधिक होता है, दृढ़ होते हैं, दृढ़ विश्वास वाले होते हैं ये लोग। लेकिन अगर इनमें इनके उकसा जाए तो ये लोग बहुत गुस्सा वाले बन जाते हैं, मतलब इनमें एकदम लाइक बारूद की तरह फटने की संभावना बढ़ जाती है अगर इनको उकसा जाए तो। ये कार्य करने में धीमे होते हैं, ये लोग अपने कार्य को उचित ढंग से करने की दृढ़ निश्चय तरह परिश्रमी होते हैं। जो काम उठा लेते हैं उसको डिसिप्लिन तरीके से साफ तरीके से करते हैं, या तो करते नहीं, जब करते हैं तो उस पर दृढ़ता से मन लगा के परिश्रम से करते हैं। उत्साहित किए जाने पर ये जाते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, इनको मोटिवेशन की लगातार जरूरत पड़ती रहती है किसी भी कार्य को करने के लिए। जब वह तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि उस कार्य का सही समय ना आ जाए। ये लोग वेट एंड वॉच में बिलीव करते हैं, जब तक उनको लगता है कि अब ये काम हमारे करने लिए करने का अनिवार्य है तभी वो उस काम में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जब तक वो वेट करते रहते हैं उस पर विचार ही करते रहते हैं, और विचार करते करते काफी टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि ये स्थिर लगन की राशि है, तो थोड़ा सा ढीले काम करते हैं स्थिर लगन की राशि। ये खुली प्रवृत्ति के ईमानदार लोग होते हैं। वृषभ लगन के जो लोग होते हैं ये खुली प्रवृत्ति के होते हैं और ईमानदार लोग होते हैं, अपने निर्णय पे अडिग रहते हैं, अपने निर्णय पे ऑनेस्ट लोग होते हैं, विश्वास पात्र लोग होते हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है। वृषभ राशि वाले लोग सदैव आरामदेह लोग होते हैं थोड़े, तो अब जैसे पहले बताया था कि जब तक थोड़ा सा मोटिवेशन को ना दिया जाए, जब तक थोड़ा पुश ना किया जाए, तब तक ये लोग जनरली अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। इनमें ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते ये लोग, पृथ्वी तत्व होता है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट वाले लोग अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते, बचा के रखते हैं। लेकिन आत्म शक्ति में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आत्म शक्ति वाले बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, स्टेबल व्यक्ति होते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ये जातक शुभ अवसर का इंतजार करते हैं, शुभ अवसर आने पर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और पूरे उस समय पर आने पर उस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाते हैं। मन में ये अपने मन से प्रसन्न रहते हैं ये लोग। पाप ग्रह हो तो ये जातक आलसी हो जाते हैं और इनके अंदर एक इनकी जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उनमें कमी आ जाती है। अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, खुद खुश मिजाज लोग होते हैं, जहां जाते हैं खुश मिजाज होते हैं, खुशी का माहौल देते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। मगर जातक को अगर लगन मजबूत, अगर इस जातक का लगन मजबूत हो तो ये कुंडली में शुक्र को मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से इनमें आकर्षण बढ़ जाता है और विपरीत लिंग के लोगों में ये लोग आकर्षित हो जाते हैं। अपने अपोजिट जेंडर में इन लोगों का आकर्षण बहुत अच्छा माना जाए जाता है। अपने जीवन साथी से जनरली लोग प्यार से बात करते हैं या प्यार से पेश आते हैं। अगर इस पे इस लगन के जातकों के लगन पे पाप प्रभाव होता है तो ये गलत आदतों में या गलत चक्रों में फंस जाते हैं। ये व्यापारिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है, दूसरों को धोखा नहीं देते आमतौर पर ये लोग। संगीत के प्रेमी होते हैं, संगीत और कला कला संगीत के अलावा सिनेमा इनके सब चीजों के प्रेमी होते हैं। पैसे को सावधानी से खर्च करते हैं, आमतौर पर पैसा व्यर्थ नहीं करते। शौकीन मिजाज लोग होते हैं ये लोग। इनका स्वास्थ्य प्रातः ठीक रहता है पर जब बीमार हो जाते हैं तो ठीक होने में समय लग जाता है इनको, जल्दी से ये लोग रिकवरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी तत्व होता है तो धीरे 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 आगे बढ़ता है। ओवरऑल ये संगीत मतलब शौकीन मिजाज होते हैं तो नाटक इनको अच्छा लगता है, नाटक संगीतकार, संगीत बजाना बजाना, नाटक करना, फिल्मी रेस्टोरेंट ये सब, होटल इंडस्ट्री, ये सब चीजों से इनका अधिक प्रेम होता है और इनको ये सब चीजें अच्छी भाती हैं और ये लोग इस तरह की एक्टिविटी के अंदर शामिल भी जल्दी से हो जाते हैं। अब वृषभ लगन किस किस लोगों का है, उनसे कितनी चीजें ये मैच करती हैं। सोना जी का वृषभ लगन है जी, आपसे कितना मैच करता है?
सर पहले तो मुझे ये नहीं पता कि पाप लग्न है या शुभ है, तो वो छोड़ो चलो। अच्छा कितना क्या मैच किया आपसे? मैच सर इसमें जितने लगभग पॉजिटिव गुण है वो लगभग काफी हद तक मैच कर रहे थे जी। ग्रेट गुड। लेकिन सर मेरे हस्बैंड के चार्ट में 7th हाउस में नंबर 4 है, तो छोड़ उसके दो भी गुण उसको, मेरे साथ आएंगे क्या? नहीं छोड़ दो अभी, 7,000 नंबर फोरन पे छोड़ दो अभी, आएगा 4 नंबर। ठीक है जी सुमित जी। सर माय वाइफ इज नंबर 2 राशि टॉरस, सो क्वाइट अ बिट इज मैचिंग, बट शी इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड शी इज वेरी फास्ट, शी डजंट नीड एनी मोटिवेशन, शी मोटिवेट्स मेनी थिंग्स। ठीक है, तो उनके शुभ उनके प्रभाव लगन पे प्रभाव शुभ प्रभाव आ रहा होगा, साथ में मंगल की भी एनर्जी कहीं से उनके साथ आ रही होगी तो कनेक्ट करेगी वो, आगे जाके देखेंगे। वो कई सारे फैक्टर होता है, ये एक वन ऑफ द फैक्टर है, ये वन ऑफ द फैक्टर से हम इंसान को इंसान की प्रवृत्ति फाइंड आउट कर लेते हैं यस कि इंसान किस प्रवृत्ति का है। ठीक है, राइट, एंड चेहरे से भी वो आकर्षित होंगी यस यस यस, शी नहीं? एवरीबॉडी सेज शी लुक्स लाइक रति अग्निहोत्री। चेक पता कर लो कहीं रहती है कि नहीं होती, डुप्लीकेट तो नहीं है। नहीं। Who comes first, रति अग्निहोत्री और योर वाइफ? द फॉर मी सेकंड इज माय वाइफ, डुप्लीकेट, नो नो फॉर मी माय वाइफ, वास्तव में या फॉर रति अग्निहोत्री इज डुप्लीकेट फॉर यू। या राइट, ग्रेट। पूर्णिमा जी, हाँ जी, मेरे हस्बैंड का है हाँ तो वही जैसे भी मोटिवेटेड मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बुध आदित्य योग लग्न में ही बना हुआ है, शुक्र भी लग्न ग्रेट, में बना हुआ बिल्कुल है, ठीक, अच्छी बात है। और गज केसरी योग 7th हाउस में है, शुक्र लगन मतलब में बैठा हुआ है, इनके हाँ शुक्र लग्न में बैठा है, इर्द गिर्द क्योंकि स्त्रियां रहती हैं इनके। नहीं और शनि भी है वहां पे, क्योंकि लग्न में मतलब बुध आदित्य योग हाँ है, तो शुक्र है शनि और है शुक्र, तो ठीक है, तो इसलिए थोड़े तो सफल है। और गज चलो केसरी योग 7th हाउस में है। वो तो आपने पतली बोल दी पूरी, बट मोटी बात ये बताओ कि ऋषभ लगन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच होते नहीं हैं नहीं कि वो नहीं होते? बिल्कुल बस आ रही है, वो बिल्कुल आ रही है, तभी मैंने कहा कि मोटिवेशन वाली चीज नहीं आई थी, क्योंकि ही इज वेरी डिसिप्लिन, पूरे घर को भी कायदे से डिसिप्लिन उसमें रखते हैं, तो शायद वो अर्थ शनि की लगन वजह का से है। अर्थ 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 जो होता है वो अर्थ वृषभ लगन में, जब अर्थ आ जाता है वृषभ हाँ राशि हाँ में, तो वृषभ राशि में अर्थ जो होता है एक मेच्योर फीलिंग देता है और इंसान को एग्जैक्टली एक डिसिप्लिन, क्योंकि एक चीज समझना, जो मैंने आपको कल कारक लिखवाया तो उसको या उसको कैसे रिलेट करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना साथ में। हाँ, हर कल मैंने का मैं आपको वीडियो लिखवाया था, देखूंगी क्योंकि कल नहीं हाँ पता चल पाया था। कोई हाँ बात नहीं, आप देख लेना, आपको पता होगा वैसे। सारी राशियों को हमने 4 तत्वों में बांटा, ठीक है, पहला हमने अग्नि तत्व लिया, फिर पृथ्वी तत्व लिया, फिर वायु या तत्व या लिया, फिर जल तत्व लिया, ठीक है। अब वृषभ राशि जो है वायु पृथ्वी तत्व के अंदर आती है, तो पृथ्वी का जो तत्व होता है वो होता है हैवी, हैवी इन नेचर, स्टेबल, या स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी हाँ स्टेबिलिटी फैक्टर, एक मिनट मैं बोलता हूँ, ठीक हाँ है, ओके तो स्टेबिलिटी फैक्टर उसके अंदर व्यक्ति में नजर आएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर कैसा नजर आएगा? शुक्र जैसा नजर आएगा, समझ रहा बात को? वृषभ राशि जो है शुक्र की है, सबके बता रहा हूं मैं, वृषभ राशि शुक्र की है, तो यस शुक्र की प्रवृत्ति के साथ स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा, यानी कि वो व्यक्ति में सौंदर्य होगा, उसमें एक तहजीब होगी, एक डिसिप्लिन होगा, एक चीज को करने की एक फील फैक्टर होगा, लेकिन स्थिरता होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन गलत कहीं पे भी कभी भी चल दिया उठ के, ऐसा नहीं होगा, तो यस सर व्यक्ति स्टेबल होगा। एक 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 होता है ना, एक नाइसली प्रेजेंटेशन थिंग, एक बड़े तरीके से, एक इट्स लाइक किसी चीज को कहते हैं कि जैसे बहुत अदा से किसी चीज को पेश करना, तो वो अदा एग्जैक्टली वो होती है। है हाँ उसमें, ठीक है, वो व्यक्ति अदा से पेश करेगा, अदाकार थोड़ा सा होगा और स्टेबल होगा, कूल होगा, काम होगा और ग्राउंडेड होगा व्यक्ति साथ में। हाँ तो ये नहीं उसकी तो हाँ, जैसे मैंने गज केसरी का योग इसलिए बोले कि बृहस्पति और चंद्रमा का असर भी तो फिर लग्न पे चला गया ना, यानी ठीक उसका भी है, इम्पैक्ट आ गया। उसको बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल उसको मैं इसके साथ जोड़ो मत। ओके ओके अगर वृषभ राशि को अपने आप में देखोगे तब आपको, आप बहुत सारी चीजों को मिक्स करोगे तो एक जो राशियों का अपना तत्व है वो लॉस कर जाओगे, यू ओके लॉस्ट दैट तत्व। तो राशि का अपना तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, उसको पकड़ो पहले आप। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वृषभ राशि के जोड़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, उसका तत्व एलिमेंट जो राशि है उस राशि का मालिक, उनको जोड़ो। ठीक हमने है राशि, हमने सारे प्लैनेट कल पढ़ लिए, मतलब पिछली 2 क्लास में सारे प्लैनेट हमने पढ़ लिए एक बार, उन प्लैनेट के गुण
राशि का तत्व उनको जोड़ो और उससे जो निकलेगा वो उसके साथ कनेक्ट करो, ये आपको नजर आएगा। अब एक चीज और, वृषभ राशि वैश्य राशि है, वैश्य राशि मतलब बिजनेस की है, तो उनमें बिजनेस की यानी कि एक किसी चीज की प्रेजेंटेशन करके बिजनेस को हासिल करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। एक प्रेजेंट, एक अच्छी स्किल से, एक सोवर स्किल, एक सोवर प्रेजेंटेशन से लोग बिजनेस को फलित कर लेते हैं, ऐसे लोग जल्दी फलित कर लेते हैं, अपने को दिखा के अपनी बातों से ज्यादा चलता है। ठीक है, लेट करना, शुरुआत में मैं सारे गुण बोल रहा हूँ ताकि आप वापस लेट कर सको, तो उन गुण को पकड़ो, उनका वो गुण है, उस गुण के साथ शुक्र को जोड़ो क्योंकि शुक्र की राशि है, जब उसको जोड़ोगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये लोग ज्यादातर कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? ये लोग ज्यादा करके जो शुक्र प्रधान बिजनेस होगा उसके अंदर ये लोग ज्यादा अच्छा करेंगे। शुक्र अभी बिजनेस के, चलो आपने पूछा बताता हूँ, शुक्र प्रधान बिजनेस कोई भी ऐसा है वह काम जो कि या तो फिल्म इंडस्ट्री या लग्जरी से रिलेटेड होगा या एक फैशन डिजाइन वर्ल्ड से रिलेटेड होगा, ऐसा काम जिसके अंदर एक फील फैक्टर होगा, जिसमें एक, एक, एक किसी या लेडीज से रिलेटेड जो वस्त्र होंगे या लेडीज के रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे उन सबसे रिलेटेड होगा, उन सारे बिजनेस के अंदर ये अच्छा काम करेंगे, ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर एक प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे काम ये लोग अच्छे से करेंगे। मैं अभी सोच रहा इसलिए मेरे लड़के का ही है। अभी तो बहुत सारा आएगा मैडम, अभी तो यू हैव अ लॉन्ग स्टोरी। नहीं, वो सोच ही रहा है बिजनेस करने के लिए, तो हम लोग ने अभी इसको रुका के रखा है कि अभी रुक थोड़ा, वेट 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 फॉर सम टाइम। अब इसकी जो अब एक बार मैं बताता हूँ, इसकी जो प्रवृत्ति है वो वायु है, इसकी जो प्रवृत्ति है वायु है, सब चीजों को जोड़ना, अब मैं जोड़ के बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको, कंसेप्ट से आप लोग अपने आप जोड़ पाओगे। इसकी जो प्रवृत्ति है वो वायु है, राइट। अब वृषभ लग्न का प्रवृत्ति वायु, वायु वाले लोग बोलते ज्यादा हैं, ठीक है, अपनी बात बहुत बोलते हैं, अपने विषय में बोलते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, राइट। सेल्समैन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इन्फ्लुएंसर बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, एंड इन्फ्लुएंसर विद डिसेंसी, इन्फ्लुएंस विद डिसेंसी, डिसेंसी के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी बातों पर स्थिर रहते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में अदा करते हैं, शुक्र का तत्व लेके आते हैं, इसको जोड़ दो, सारे जुड़ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। इज दिस मेक सम सेंस, इज दैट रिलेटिंग? रिलेट हो रहा है ये? यस यस। वो बोल भी रहा है कि मुझे कपड़े की लाइन में ही करना है, करवाओ। तो मैंने उसको अभी बोला, मैं बोली अभी माहौल नहीं है ऐसा, थोड़ा रुक, नहीं तो इन्वेस्ट करके अभी करेंगे, अभी करेंगे उसको भी, ठीक है। राइट, आरती जी आप बताएं कहां से आवाज आई? हाँ सर, सर मेरी बेटी का है। हाँ जी, हाँ जी, 90% एट्रीब्यूट्स मैच हो रहे जो आपने बताए हैं। 90% मैच हो गए तो बहुत मैच हो गए, क्योंकि 90% बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके अंदर पत्री के अंदर अगर एक ही चीज में 90% मैच होना बहुत बड़ी बात होती है, तो अभी बहुत चीज और भी है। ग्रेट, वो लेजी है, थोड़ी सी स्लो स्लो करती है, बट शी इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वो 8 years की, लेकिन उसने गणपति के टाइम अभी प्ले डायरेक्ट किया था बिल्डिंग के बच्चों को लेके। हाँ, तो फिल्म आ गया, वो ड्रामेबाजी आ गई। हाँ, ड्रामेबाजी, और अट्रैक्टिव है, लोग एकदम देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बातें करने शुरू कर देते हैं। ऑल ऑफ दैट, ग्रेट। सुमित जी, आई वांटेड टू ऐड वन पॉइंट, माय वाइफ इज इन द रियल एस्टेट बिजनेस, सो दैट इज गेटिंग लिंक्ड बिकॉज़ यू सेड पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, इट इज नॉट स्टेबल, है पर्सनालिटी है इनकी, पर्सनालिटी इनकी जो है स्टेबल होती है, ये लोग स्टेबल होते हैं, काम होते हैं, बट वो काम जो कर रही हैं, उनका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस रियल एस्टेट है, वो और भी चीजों से फैक्टराइज होता है सर, एक खाली इसी से नहीं होगा, पूरी पूरी गुणी बहुत चीजें और है, शनि कहीं पे स्ट्रांग हो रहा होगा, मंगल कहीं पे स्ट्रांग आ रहा होगा, तो रियल एस्टेट नॉट द पृथ्वी तत्व जो आपने बताया, नहीं नहीं, वो वाला पृथ्वी तत्व, ये वाला पृथ्वी तत्व नहीं है, वो जमीन, ये भूमि वाला नहीं है, ये वाला पृथ्वी तत्व से मतलब भूमि से, यहाँ पे मतलब ये है कि इसका जो एलिमेंट होगा पृथ्वी की तरह स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा, राइट, ठीक है, इसका मतलब ये कि डामाडोल नहीं होगा अपनी बात पे, आज कल आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, बातों में शब्दों में वजन होगा, जब ये बोलते हैं तो वजन से बोलते हैं, ऐसे ही एनीथिंग एवरीथिंग नहीं बोलते ये लोग, करेक्ट, दैट्स हाउ द पृथ्वी तत्व, पर्सनालिटी के हिसाब से बोल रहे हैं कि पृथ्वी तत्व, जी जी, पर्सनालिटी के हिसाब से, अच्छा,
ठीक है, इनकी प्रवृत्ति के हिसाब से अट्रैक्ट रहते हैं, मस्त रहते हैं, और इनके इनकी बातों पर डिपेंडेंसी है। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो डिपेंडेबल नहीं होते, ये लोग बातों के हिसाब से डिपेंडेबल हैं ये लोग, ठीक है, इनपे डिपेंड किया जा सकता है, इनपे इनकी शब्दावली में, राइट जी। पूर्णिमा जी आप कुछ कहना चाहेंगे या आगे बढ़ें? आपका हैंड रेज है जी। सर मुझे एक मेष राशि में, जैसे आपने वृषभ में प्रवृत्ति वायु बोला, तो मेष राशि में कौन सा आएगा प्रवृत्ति? अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की राशि है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और क्षत्रिय, क्षत्रिय उसका वर्ण है, ठीक है, उसके स्वामी मंगल है ना सर, उसके स्वामी मंगल है, तो ऐसे लोगों में अग्नि तत्व बहुत होता है, यानी कि फायरी एलिमेंट होता है, ये लोग अग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, इनमें जब बात भी करते हैं तो बात के अंदर एक तेजी होती है, एक इनमें बात करते समय इनके फ्लो में तेजी होती है, इनके आवाज में एक एक फायर होता है, मतलब इट्स लाइक व्हेन इट स्प्रेड इन, एक बात अगर करेंगे यहाँ खड़े होकर बात करेंगे तो दूर तक आवाज जाएगी, यानी कि अग्नि की तरह फैलेगी बात इनके अंदर, ये होता है। प्लस इनका जो राशि इनकी होती है, चर राशि के लोग होते हैं, ये चर राशि के होने की वजह से ड्यूअलिटी इनमें बढ़ जाती है, मतलब घूमने फिरने वाले होते हैं, नॉट ड्यूअलिटी रादर आई वुड से घूमने फिरने वाले होते हैं, तो अपनी जो आज बात कर रहे हैं उसी बात को जब रिपीट करेंगे तो उस बात को दूसरी शब्दावली से रिपीट करेंगे, व्हाट इट मीन्स की आज जो बात बोली है मीनिंग भले ही वही हो लेकिन शब्दावली चेंज हो जाएगी उनकी। जब वृषभ लग्न की मैंने बात करी तो उनकी शब्दावली भी वही रहेगी, वो बोलेंगे मैंने ये शब्द बोला था उस दिन, मैंने ये शब्द नहीं बोला था। मेष लगन वाला कहेगा भाई बात मतलब तो सेम ही है, आगे बढ़। विषय वाला कहेगा नहीं मैंने शब्द यही बोला था, यही शब्द बोलना है, वो अड़ जाएगा, विषय वाला अड़ जाएगा, मेष वाला कहेगा आगे बढ़। ये फर्क आएगा दोनों में, ठीक है।